Hello everyone. Mera naam Dr. Naren Kumar hai. I'm a consultant cardiologist and electrophysiologist hu Paras HMRI Patna Hospital ke saath mein. Ab jaisa ki hum sabhi jante hain, already winter season ki shuruaat ho chuki hai. Thand dheere dheere badh rahi hai. Hum sabhi chintit ho jate hain ki hamare hriday ka swasthya kya wo theek rahega nahi rahega. To hum kin baaton ko follow kar sakte hain jisse ki hamara hriday स्वस्थ रहे और साथ ही साथ हम ठंड के सीजन का मजे भी ले सके तो इसमें बहुत जरूरी है कि हम लोगों को समझना कि होता क्या है ठंड के सीजन में हमारे जो ब्लड वेसल्स होते हैं वैसो कंस्ट्रिक्शन होता है जिसके कारण उनके पतले होने के कारण हमारे हृदय पे लोड बढ़ जाता है जिसके कारण हृदय का डैमेज और यहाँ तक कि हार्ट अटैक होने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं तो अगर हम कुछ बातों का ध्यान रखें तो हम ना सिर्फ हम लोग अच्छे से इस समय से गुजर सकते हैं बल्कि हम हमें कोई दिक्कत भी नहीं होगी जैसे कि सबसे पहला हमें सीजनल सब्जियां और फल का लगातार नियमित तौर पे सेवन करना चाहिए जैसे कि हम जानते हैं नारंगी हो गए ग्रेप्स हो गए गाजर हो गए या फिर फूल गोभी ये सभी सीजनल फ्रूट्स हो गए तो इनको खाने से ना सिर्फ हमारी बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ती है हमारा शरीर भी अंदर से ताकतवर होता है दूसरा टिप जैसे कि हम लोग सभी चाय कॉफ़ी का ले आनंद लेते हैं तो इस सीज़न में डेफिनेटली मैं एडवाइस करूँगा कि आप चाय को ज़रूर इन्जॉय करें ना सिर्फ ये एंटी ऑक्सीडेंट्स इनमें प्रचुर मात्रा में होती है यहाँ तक कि इनमें फ्लेवोनॉइड्स भी होते हैं जिसके कारण हृदयाघात अथवा हार्ट अटैक होने की संभावना बहुत कम हो जाती है तीसरी बात हम लोगों को अपने डाइट को बैलेंस करना चाहिए मतलब चावल की मात्रा को कम करें पास्ता अगर आप खाते हैं या आप आलू खाते हैं तो इनकी मात्रा को कम करें उसी समय आप प्रोटीन की मात्रा को थोड़ा बढ़ाएं तो ये एक डाइट को एक बैलेंस्ड रूप देती है चौथी बात हम लोगों को जब क्योंकि बाहर में ठंड बहुत ज़्यादा होती है तो हम लोग बहुत ज़्यादा समय इंडोर्स बिताने लगते हैं घर के अंदर ही तो हम लोगों को ये कोशिश करनी चाहिए कि इसमें हम लोग कुछ नई एक्टिविटीज़ इंक्लूड कर सकें जैसे कि योगा यहाँ तक कि डांसिंग भी हम लोग कर सकते हैं या फिर अगर इंडोर स्पोर्ट्स हो गए जैसे कि बैडमिंटन यहाँ तक कि अगर इंडोर स्विमिंग वगैरह की एक्टिविटी अवेलेबल हो या बाउलिंग वगैरह जो होती है इन सभी चीज़ों के साथ में और तो और आपके साथ वो समय मिलता है तो आप अपने अपने लोगों के साथ में भी बिताएं थोड़ा उसको बहुत बेहतर तरीके से आपका वो इस्तेमाल भी होगा और आपको वो खुशी भी होगी पांचवी बात हम लोगों को इसमें जो भी अगर हम लोग ज़्यादातर समय खाली समय में हम लोग बैठे रहते हैं हम लोग को इसको बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं तो खाली समय एक जगह पर स्थिर ना बैठें आपको थोड़ा टहलते रहना चाहिए आप समय को मैंने बोला जैसे कि यूटिलाइज करें सिर्फ स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं यहाँ तक गार्डनिंग में आप इस्तेमाल कर सकते हैं घर वगैरह की साफ सफाई वगैरह में हो गया और अपने मित्रों से मिलने के लिए और थोड़ा बाहर उहर भी जाएं तो ये एक बहुत अच्छी बात होती है कि समय यूटिलाइजेशन में भी होता है और एक बहुत ज़रूरी बात इसमें मैं बोलूँगा आप हमेशा सिर्फ घर में ही ना बैठें अगर आपको समय मिलता है तो कोई एक हॉबी आप परसीव कर सकते हैं इन सभी चीज़ों में यहाँ तक कि सिंपल सिंपल चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बनाती हैं जैसे कि हम लोग अगर किसी बिल्डिंग में जा रहे हैं तो हम लोगों को सीढ़ियों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए ना कि लिफ्ट का तो ये ना सिर्फ आपके हृदय के लिए बहुत बेनिफिशियल है यहाँ तक कि बहुत बेहतर भी है इसी तरह सातवीं बात हम लोगों को कोई भी चीज़ में बहुत ज़्यादा जोर लगा के काम नहीं करना है स्पेशली बूढ़े और एवं बुज़ुर्गों से मेरी दरख्वास्त है कि बहुत ज़्यादा आपको ज़बरदस्ती करके कोई काम नहीं करना है फिर इसी तरह जब आप ठंड में जाते हैं तो अच्छे तरीके से अपने शरीर के अंगों को कवर करके जाए जैसे एक सिर की टोपी पहन लीजिए एक स्वेटर पहन लीजिए अगर हो सके तो दस्ताने भी पहन लीजिए मोजे जूते तो हैं ही तो उससे क्या होता है जैसे आपको मैकेनिज़म बताया था नहीं तो उससे भी बहुत ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है इसके बाद में आठवीं बात एक बहुत रेगुलर
चीज बोली गई है, हम लोग बचपन से ही हम लोग सुनते आए हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. उसके लिए क्या बहुत जरूरी चीज होती है, आप अपना ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल लेवल, शुगर का लेवल, अपने इन चीजों को जरूर आप रेगुलर तरीके से चेक कराएं. एक नौवीं बात, हम सभी तो अपने बारे में तो सोचते ही हैं, मगर अगर आप अच्छे इंसान ऐसे बन सकते हैं जब आप दूसरों के बारे में आप सोचते हैं, तो उसके लिए एक बहुत सिंपल और बहुत ज़रूरी चीज़ कही जाती है, उसे कहते हैं CPR, कार्डियो पल्मोनरी रिसस्टेशन. तो ऊपर वाला कभी ना करे, किसी को अगर इमरजेंसी की ज़रूरत पड़ गई और आपने इस चीज़ को यूज़ करके आप किसी की अगर जान बचा सकते हैं, तो इससे बढ़ के कोई चीज़ नहीं है. बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपने कार्डियोलॉजिस्ट से जाके ज़रूर मिलें और एक रेगुलर चेकअप करें. मुझे पूरी आशा है इन सभी टिप्स के साथ में आपका विंटर सीजन बहुत आनंदमय होगा. धन्यवाद.